उत्तर भारत और नेपाल में 3 अक्टूबर को आए भूकंप ने सबको डरा कर रख दिया है। अच्छी बात ये रही कि भूकंप में भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नेपाल से जो तस्वीरें सामने आईं, सच में वो बेहद डरावनी थीं। नेपाल में भूकंप से कई घर जमींदोज हो गए। भूकंप आने की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। नीदरलैंड स्थित संगठन सोलर सिस्टम सर्वे के एक सीनियर वैज्ञानिक ने भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी उन्होंने पाकिस्तान को लेकर की थी, परंतु हुआ इसके विपरीत, धरती भारत और नेपाल की हिल गई। एक अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 1 अक्टूबर को हरियाणा के कुछ हिस्सों में भूकंप आया, 2 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3 अक्टूबर को भारत से लेकर नेपाल तक की धरती हिल गई। डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबीट्स ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चमन इलाके में फॉल्ट लाइनों के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज में उतार चढ़ाव में असमान बढ़ोतरी देखी जा रही है, इससे पाकिस्तान में शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। हुगरबीट्स ने यह भी कहा था कि ये भूकंप 1 से 3 अक्टूबर के बीच आएगा। अब हुगरबीट्स की भविष्यवाणी तो सच साबित हुई, लेकिन भूकंप पाकिस्तान में नहीं, नेपाल और भारत में आ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि तरंगों के उतार चढ़ाव होने से 250 किलोमीटर तक भूकंप का केंद्र खिसक सकता है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान में आने के बजाय भूकंप भारत और नेपाल में आ गया। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। बता दें कि डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबीट्स की भविष्यवाणी हमेशा सटीक बैठती है। इससे पहले हुगरबीट्स ने तुर्की और सीरिया में आए दोहरे भूकंप की भविष्यवाणी की थी। फ्रैंक हुगरबीट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 30 सितंबर को हमने वायुमंडलीय उतार चढ़ाव दर्ज किया, जिसमें पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उसके आसपास के हिस्से शामिल थे। ये सही है, ये आने वाले मजबूत झटकों के संकेत हो सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल तुर्की में आए भीषण भूकंप ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जिसने भी भूकंप से तबाही की तस्वीरें देखी वो सहम उठा, हजारों लोग बेघर हो गए थे, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई इमारतें जमींदोज हो गई थीं। इस भूकंप के कारण करीब 47,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थीं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस वजह से तुर्की को $104 मिलियन का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई तुर्की अभी तक नहीं कर पाया है।